और ये ठाकुर जी जो जगन्नाथ भगवान है, ये ठाकुर जी भी जो है ये मुरारी रूप जी के ठाकुर हैं। इनकी कथा यहाँ लिखी हुई है सामने, वृंदावन कैसे आया यहाँ पर बताया गया है कि मुरारी रूप जो थे वो वृंदावन आया जाया करते थे, तो उनके ससुर जी के विग्रह थे जगन्नाथ जी की, वो सेवा करते थे। तो एक बार जब वो वृंदावन आने के लिए आ रहे थे तो भगवान जगन्नाथ जी ने बोला कि आप वृंदावन जा रहे हो, मेरी भी वृंदावन जाने की इच्छा है। तो वो उनको वृंदावन लेके आ गए। जब वृंदावन लेके आके यहाँ से जाने लगे तो उसने बोला जगन्नाथ भगवान ने कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप जाओ मैं ही रहूँगा। तब से ठाकुर जी यही वृंदावन है। जगन्नाथ भगवान की जय। शिल्पदेव जी की जय। प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं कि जो नाथ तरह का भक्ति है इतने साधन में ये श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें जो एक भक्ति है कहते नाथ तरह का भक्ति की बात छोड़ दो, अगर एक भक्ति अगर निष्ठा पूर्वक कोई करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है। जैसे श्रवण में किसने प्राप्त किया, श्रवण को द्वारा बोला कीर्तन का द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी, स्मरण का द्वारा बोला प्रहलाद महाराज, और पाद सेवन में लक्ष्मी, और अर्चन में वृद्ध महाराज, और दास्य में हनुमान जी, सख्य में अर्जुन, और पाद सेवन में लक्ष्मी। इसलिए बलि महाराज आत्मजीवन में पाद सेवन में लक्ष्मी है। जो नौ तरह का भक्ति है अगर एक भक्ति अगर निष्ठापूर्वक कोई करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो पाद सेवनार्थ का भक्ति है ये परिक्रमा, हम जो परिक्रमा कर रहे हैं ये पाद सेवनार्थ का भक्ति है। अगर ये भक्ति को कोई अगर एकनिष्ठापूर्वक कोई करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब श्री वृंदावन में आए, वही तो कृष्ण है ना, लेकिन महाप्रभु ज़्यादा दिन इधर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण होते हुए भी कलयुग में उन्होंने राधा भाव शुद्ध सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप, वो राधा जी की भाव पर अनुगंध लेकर के आए। इसलिए महाप्रभु का जो लीला को प्रसन्न अवतार होता है उन्हें छुप करके आए। इसलिए जिन जिनियों को महाप्रभु ने दर्शन दिया, जैसे केशव दास को दिया, श्री कैथी को विप्र को दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया, पुरी में श्री प्रताप रुद्र महाराज को उन्होंने दर्शन दिया, लेकिन देख करके उन्होंने क्या बोला, कोई खबरदार बोलना नहीं, ये बात इसको नहीं बोलना है। सनातन गोस्वामी को दिया रसराज महाभाव रूप में, लेकिन सबको मना कर दिया। इसलिए महाप्रभु इधर आकर ज़्यादा दिन नहीं रुके हुए, क्यों, अगर इधर में ज़्यादा दिन रुक जाऊँगा ना मैं तो कृष्ण हूँ ना, फिर मैं अपना भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जब इधर आते थे प्रेम में इतने विभोर हो जाते थे, लोग कोट उठाया करते थे प्रेम में, उनका शरीर में श्वेत कंप अस्त्र सुलभ वैवर्ण ये सारे भाव दीपक भाव प्रकाशित होता था। इसलिए महाप्रभु भी परिक्रमा करते 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 यहीं पर आकर के यहीं पर महाप्रभु ने विश्राम किया था, इसलिए ये स्थान का नाम विश्राम था। यदि जो परिक्रमा है कहते तीन तरह के लोग परिक्रमा करते हैं, एक साधारण लोग परिक्रमा कर रहे हैं, भैया सब कर रहे हैं चलो हम भी करें, देखें लोग आ रहे हैं सारा दुनियादारी की बात करते करते बेटा का ये हो गया ये हो गया, अब
जो साष्टांग परिक्रमा कर रहे हैं ना, साष्टांग उनको कुछ लोग इतनी परिक्रमा कर रहे हैं, बोले बेटा की शादी नहीं हो रही है, हमारी शादी नहीं हो रही है, परिक्रमा करेंगे तो हमारी शादी हो जाएगी और हमारी काम धंधा चली जाएगी, इसलिए भी लोग परिक्रमा करते हैं। क्योंकि जो धाम है, धाम कैसे है, चिंता वही प्रकट सत्य सुकल्प विचार, धाम की चिंता नहीं है। अब कोई भी कामना वासना लेकर के करो, ये धाम तुम्हारी इच्छा को ये पूरी कर देती है। ये इच्छा भी प्राकृत से साधारण इच्छा ये पूरी कर देती है, एक तरीका। दूसरे तरीका जो व्यक्ति परिक्रमा करते हैं, जैसे ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण ने वृंदावन में लीला, जैसे जहाँ से हमने अपना परिक्रमा उठाए वहाँ पर चार गली है, दान गली, मान गली, कुंज गली और जमुना गली। वहाँ भगवान ने वो गली जो इस गली में हमारी मंदिर दान गली, सब लोग ढूंढ ढूंढ करके वहाँ पर आते हैं, भैया चार गली एक साथ में कहाँ है, भगवान कहीं अगर लीला में लेकिन एक साथ में चार गलियों में चार जो लीला है वो ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव ने इसलिए वहाँ पर इसी लोभ से भजन करने का लोभ से हमारे मंदिर था अंदर में, इसलिए गुरुदेव ने वो स्थान को ग्रहण किया है। इसलिए वहीं से जब आते हैं क्यों दान गली नाम पड़ा, क्योंकि कृष्ण ब्रज गोपियों से दान देते थे। मान गली क्यों नाम पड़ा, वहीं से राधा रानी मान करके मान सरोवर में चली गई। जमुना गली क्यों नाम पड़ा, गोपियाँ वहाँ से पानी भरने जाते हैं। कुंज गली क्यों नाम पड़ा, वहीं पर कृष्ण परम ब्रह्म परात्पर तत्व से देवी, जहाँ पर स्मर गर्व खंडनम मम शिरस मंडनम देहि पद पल्लवंता, जहाँ पर स्वयं परात्पर तत्व से देवी, जहाँ पर राधा रानी की मान को मनाने के लिए, जहाँ पर अपना बल कुकुट राधा जी के चरण में रख दिए, बलसूरी रहती है उसके चरण में मुझे राधे, आज इतने तुमने मान क्यों किए। इसलिए वो गली का विशेष महत्व है जहाँ पर हम रह रहे, बड़ा महत्व गली है। जब वहीं से जो जानते हैं ये सारे लीला क्या होता है, जब सारे लीला स्थलियों को पार करते हैं तो सारे लीला स्थली अपने आप को बना होता है। अरे कृष्ण ने यहाँ पर ये लीला किया, कृष्ण ने यहाँ पर ये लीला किया, उसको जो पार किए पहले हमने इमली तला में आए। इमली तला में क्या है, जहाँ पर स्वयं कृष्ण है, जहाँ पर राधा जी की चिंतन करते 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 राधा चिंता निवेशन जैसे कांतीर विलोकिता, जो राधा रानी की चिंता करते करते जहाँ पर कृष्ण स्वयं श्री गौरव अंग धारण किया था राधा जी, इसलिए उन्होंने उन्हीं पर अनुरोध किया था कि राधा रानी के प्रेम में कोई विशेष बात है, हैं विशेष बात है, मैं स्वयं रस स्वरूप हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन जब आज मैंने राधा जी के व्यवहार में डूब गया, मेरे को ये थिंक आनंद के प्राप्त हुए, थैंक यू, जो आनंद हमें कभी मिली नहीं। इसलिए गौरव अवतार का वो स्थान मूल कारण है, हैं जब और थोड़ी दूर आए फिर श्रृंगार बैठे, जहाँ पर कृष्ण अपना हाथों से श्री ईश्वरी जी को जहाँ पर उन्होंने श्रृंगार की, जहाँ पर बैठी करके गोप गीत गाए, और यहाँ पर कृष्ण मनमत के मनमत रूप लेकर के जहाँ प्रकट हुए हैं, इसलिए जहाँ पर उन्होंने राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ तत्व जहाँ पर उन्होंने स्थापन किया। लेकिन जब और थोड़ी दूर आए जहाँ पर कैसी घाट है, जहाँ पर कृष्ण किसी जहाँ पर उन्होंने कैसी दैत्य को वध किया, और जहाँ पर उनको स्वामी कहते हैं स्मराम भगिंद्रय परिचिताम साक्षी विस्तीर्ण दृष्टि, सब सावधान कर देते हैं, खबरदार वृंदावन में मत जाइयो, बोले वृंदावन में हमको वृंदावन में अल लेनी है, बोले अगर भूल से चली गए ना किसी तीर्थ घाट में तो तैयार नहीं पड़नी चाहिए, बोले वहीं पर काम खड़ा है, सर्वनाश कर दिया, अगर वहीं पर खड़े हो तो गोविंद मंदिर के अंदर तो जान ही नहीं चल रहा, हम तो वहीं पर खड़े हैं, बोले वहीं पर खड़े हो, तब कहते हैं खबरदार भाई गोविंद देव को दर्शन नहीं करना, बोले क्यों, बोले उनको जो मीठी मीठी मुस्कुरा हाथ है, जो त्रिभुवन ललित रूप में खड़े हैं, जो मीठी मीठी बंसुरी बजा रहे हैं, कहते सिरू पर नए नरे केह नहीं घरे थे संसार जिगर से तो भये सर्वनाश, बंधु संगे जाते तभी खाते समुद्र विनाश। इसलिए रूप गोस्वामी सावधान करते हैं, बोले खबरदार वो रूप को कभी दर्शन नहीं करना, एक बार अगर दर्शन कर लिया तो, अगर बेटा दर्शन कर लिया ना पिता माता भूल जाएंगे, हम लोग जवानी अवस्था में अगर उनकी कथा अगर कान में पड़ गया है, इसलिए राधा रानी कहते जिनको कान में
उनकी कथा बड़ी भी अंदर चक्कर में मत पड़ा करो, ये बगल में भागवत पोथी दवा लेकर बिना पैसा में कथा सुनाएंगे। बास कथा सुना तो सुनाते, खुद का भी घर का ठीक नहीं, खुद भी पागल होकर घूम रहे, अरे सबको ही ये पागल बना देते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी सावधान करते हैं, खबरदार को रूप को कभी देखा मत करो। पिता माता अगर देखेंगे तो बच्चे को भूल जाएंगे, पत्नी देखेंगे तो पति को भूल जाएगा, पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगी, हैं। इसलिए इसका मतलब रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर ये जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, एक बार क्या करो, वृंदावन में जाओ, एक बार श्री गोविंद देव को जरूर दर्शन करो। श्री नाम में किसी हार नहीं, वहाँ पर रूप गोस्वामी विशेष करके कहते हैं, खबरदार वहाँ पर मत जाया करो। फिर जब आगे आए जहाँ पर पानी काम है, जहाँ पर गोपियाँ यमुना को क्रॉस करते हुए दुर्वासा मंदिर में जहाँ पर गए थे, यमुना को बोला अगर कृष्ण ब्रह्मचारी रास्ता छोड़ दो, यमुना दो भाग हो गया। फिर जब दुर्वासा जी को पिलाया पिलाया लड्डू कचौड़ी, बोले हम यमुना कैसे पार करेंगे, बोले यमुना को बोलना अगर दुर्वासा जी ने कुछ खाया नहीं रास्ता दे दो, बोले जैसे चला लो जैसे कृष्ण हमारे बगैर रह नहीं सकते, वो ब्रह्मचारी हो गए। अरे यहाँ पर सारे लड्डू कचौड़ी खा लिया कर गुजरे, तो भैया थोड़ी जैसे चला भी जैसे हैं, इसलिए वो स्थान नहीं है। इसलिए अभी हम जहाँ पर बैठे हैं ये जो स्थान है, ये भगवान का नौ का विलास स्थान है। यहीं पर ही ब्रज भूमिया दूध दही को लेकर के यहीं पर आती थी, आकर के जोर जोर से दौड़ती थी, कोई है हमें जो यमुना नदी पार कराते और कृष्ण टूटे फूटे नाव लेकर कृष्ण आ जाते थे, पर हम ही पार कराते हैं, यहाँ बैठ जाओ हैं। और वहाँ कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कौन है कि नव का विलास लीला कृष्ण क्यों करते हैं, तभी तो कृष्ण साधारण नहीं हैं, जैसे ब्रह्मेश्वराद दुर्भ पदार बिंद जो कृष्ण है जिनके चरण कमल को ब्रह्मा सब अमर पति गणिसार कृष्ण ये तत्व है। लेकिन मतलब यदि इनने आज उन्होंने नाविक बन गए, ये माझी बन गए, नाव चलाने वाले क्यों बन गए, कारण किया, कृष्ण कहते हैं राधे गोपियाँ केवल तुम्हारी प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, लेकिन मतलब यदि मैं काम क्या करता हूँ, नाव चलाने का काम करता हूँ। कभी मैंने माली हार ली पाली हार ली, कभी मैसेज करने वाली, कभी श्रृंगार करने वाली, क्यों आस्वादन करने के लिए ही मैंने ये सब रूप धारण करता हूँ। और यही पर कृष्ण ब्रज गोपियों को ले जाते तो बीच यमुना में ले करके बोलते, देखो मेरे नाव पे एक मणि हो सकता है, टूटे फूटे नाव है, मेरा नाव तो डूबने वाला है यहाँ पर मेरे नाव, इसलिए सारे कपड़े को फेंक दो, गहना को फेंक दो, दही को फेंक दो। कृष्ण जोर जोर से नाव को चलाते थे, तब राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करती थी, गोपियाँ का यही भावना है, तब श्री युगल सरकार को हम विलन करा, ये स्थान हुआ है। जब थोड़ी दूर आगे जाएंगे वो स्थान है जहाँ पर मथुरा वृंदावन, एक परिक्रमा मार्ग चली जाती है मथुरा में और एक चली जाती है वृंदावन में, ये बड़ा है। इसलिए एक समय कंस ने सोचा, ये हमने जिन जिनों को भेजता हूँ ये सबके सबके भी काम करके जाते हैं, कोई चिंता मत करो, अरे छोटा सा बालक ये क्या कर लेगा, लेकिन तो जो गया सो गया, बुढ़ा कोई वापस नहीं आया, उतना को भेजा वो भी गया, सकटा सुर तृणावर्त अर्धा सुर जो गया तो गया, अभी तक तो कोई वापस नहीं आया। इसलिए एक कंसर्न देखा, भैया मैं खुद जाकर क्यों मार कर नहीं आया, इतना छोटा सा बालक, चार पाँच साल छः साल का बालक, मैं खुद क्यों मार करके नहीं आ जाता हूँ। एक दिन कंस ने कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जो माया के बगैर प्रवेश कोई नहीं कर सकते, और जो प्रवेश कर रहा था बड़े रही, इतने में जो माया पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो, उसको उन्होंने कि कुएं में डुबा दिया तो 100 साल की एकदम टोकरी बन गई, बोले कंडा नहीं आ, इसलिए यहीं पर उसको कंडा थपथपाने लगा दिया है, कंडा थपथपाने लगा दिया यहीं पर। अभी जो माया देख रही है, कभी जब तक देखा चैतन्य रही से सब चैतन्य लीला कुछ लीला है, मतलब है जिन जिनों को हम विरोध देख रहे हैं कृष्ण लीला में का महाप्रभु लीला में,
को विरोध नहीं, एक तरह से कृष्ण लीला महाप्रभु लीला को लिए मदद करने वाले। कंस नहीं होता तो क्या होता, रावण नहीं होता तो रामायण होता, जगाई माता ही नहीं होते तो महाप्रभु का महिमा इतना प्रकाश होता क्या, होता है नहीं। इसलिए जो मैंने देखा अगर इसको मैं रख लिया ना अगर तो प्रभु बंद हो जाएगी, इसलिए बोले और आओगे, बोले नहीं आऊंगा क्योंकि वो दोपहर बन गया ना जा भी नहीं सकता है, बोले काम पकड़ उठ बैठ कर उसको उठ बैठ कराया, बोले फिर कुएं में उसको जो गोता लगाया फिर कंस बन गया। कंस गया तो कभी मोड़ कर कभी जिंदगी में देखा नहीं इस तरह में, बोले जाऊंगा तो फिर हमें टोकरी नहीं बना है। इसलिए गुरु जी कहते थे यहाँ पर अक्सर करके देखना ये बद्री जो पैर का जो पैर का वृक्ष है, गुरुदेव कहते थे यहाँ पैर वृक्ष अक्सर करके, क्योंकि श्री व्यास जब ने जो भागवत रचना किया कहाँ पर रचना किया, वो बद्रीनाथ में उन्होंने रचना किया है बद्रीनाथ में वहाँ पर। लेकिन गुरुदेव कहते थे वृंदावन में आदि बद्री आदि केदार वृंदावन में है, कभी जाएंगे ताम्रवन में, इसलिए कहते विशेष करके जो दसम स्कंद भागवत की जो लीला है जो पूरा रसमय जो प्रेममय कथा में कहते एक जो स्थान का महत्व होता है, एक स्थान की महत्व है कि वृंदावन धाम है, कि वृंदावन में ही कहते राधा रानी का हृदय है, राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए वृंदावन धाम को अपना हृदय को ही कहते आने हृदय मन मोर मन वृंदावन और बने बने एक कार्य माने, श्री राधा रानी कह रहे श्याम सुंदर मेरे जो मन है मन नहीं ये वृंदावन है, इसलिए आप ये वृंदावन रूपी मेरे मन में बैठे करके चलो अब हम द्वारका से व कुरुक्षेत्र से हम वृंदावन ले चलेंगे, इसलिए वृंदावन नाम रस भूमि है ये प्रेम भूमि है, है? इसलिए कहते व्यास तो विशेष करके यहीं पर दसम स्कंद लीला कथा में यही रचना की और यहीं पर कृष्ण गंगा घाट है यहीं पर ही श्री पराशर ऋषि जब उन्होंने जमुना को पार होना चाहते थे उसी समय सत्यवती ने उनको पार कराते समय जब जमुना को बीच में आए उस समय में कोहरा कोहरा हो गया और वहाँ पर एक टापू प्रकट हो गया और व्यास श्री पराशर मुनि सत्यवती को अपना दिव्य दृष्टि से देखा और देखते ही वहीं पर श्री व्यास देव प्रकट हुए, इसलिए जो स्थान है श्री व्यास देव का ये प्रकट यही स्थान है उनका प्रकट स्थान। इसलिए जो दूसरे तरह का जो भक्त है जब परिक्रमा करते हैं ना है हर लीला स्थलियों को चिंतन करते 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 ये परिक्रमा करते हैं ये, लेकिन जो भावावस्था में जो प्रेमावस्था में पहुंचे उनको परिक्रमा तो एक दिव्य है, उनको वास्तव रूप में उनका परिक्रमा ही वास्तव रूप में परिक्रमा, जैसे श्री सनातन गोस्वामी है श्री रूप गोस्वामी कहना हमारे गोस्वामी लोग जो परिक्रमा करते थे उनको डायरेक्ट उनको लीला दी थी, डायरेक्ट प्रभु का लीला दर्शन करते थे, जैसे श्री रूप गोस्वामी ने चाटू पुष्पावली ग्रंथ में लिखे बेणी प्याला मीना जो राधा रानी की स्वरूप को वर्णना कर रहे थे रूप गोस्वामी, उन्होंने राधा रानी का जो चोटी को उदाहरण दिया कैसे राधा जी की चोटी बोले जैसे पाहुल नागनी जैसे, जब उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को दिखाया बोले भैया मैंने ये चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ लिखा पूरा देखो तो वो ग्रंथ कैसे बना, बोले ग्रंथ तो अपूर्व बनाया लेकिन कहाँ राधा रानी प्रेम स्वरूप रस स्वरूप सिंधु राधे का सिंधु लावण्य सिंधु रससार कृपा का सिंधु श्री राधे के स्फुरत में हृदय सिंधु जैसे सप्त समुद्र है उसी तरह राधा रानी के अंदर में भी सारे समुद्र रस का समुद्र प्रेम का समुद्र में भक्ति सारे समुद्र श्री राधा रानी के विद्यमान है, इसलिए कहाँ राधा रानी और तुमने कोई उदाहरण नहीं मिला क्या उदाहरण दे दिया बेणी प्याला ही फना बेणी कैसे राधा रानी की कहते काला नादनी जैसे, भले अगर ये थोड़ी सुधर जाता ना सही हो जाता, सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे जब राधा कुंड में आए देखा रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और एक सुंदर कदम वृक्ष जिसमें सुंदर झूला पड़ा हुआ है और एक बीच में एक सुंदर किशोरी बैठी हुई और अगल बगल में कुछ सखियां उसको झूला में झूला रही थी, इतने में चोटी कैसे होता है ऊपर मोटी नीचे पतली राधा रानी का चोटी कैसे था केस में से यदि ये सर से लेकर चरण है राधा रानी की ये केस है और उन्होंने तीन चार उन्होंने चोटी बनाया गोपियों ने जब झूला में बैठी करके झूल रहे थे राधा रानी ऐसे लग रहा था जैसे उनको पीछे तीन
चार ताल इस सर पर जैसे उनको ऊपर में चढ़ी हुई काटने के लिए जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी दूर से देखा और देख करके लाली लाली तुम लोग तो दिख नहीं रहा है, इनको पीछे तीन चार सांप चढ़े हुए दिख नहीं रहा है। जब से प्रभु सनातन गोस्वामी वहाँ पर आए तो जो बीच में जो बैठी हुई थी काली घबराहट रानी थी उनको तरफ में देखे थोड़ी सी उन्होंने बैठे बैठे मुस्कुराए और वहीं पर सारे लीलाओं की अंतर्ध्यान हो गए। सनातन गोस्वामी ये क्या है, फिर याद आया रूप गोस्वामी ने जो राधा रानी की चोटी की वर्णना की थी वही ज्याला ने खाना कहते उनको, क्योंकि साधारण कविता है नहीं रूप गोस्वामी रूप मंजरी है कहते प्रेमान जन छुरी भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो विलोक है। वो ऐसे नहीं लिखते थे, वो जो लीला को दर्शन करते हैं तभी वो ग्रंथ लिखते, साधारण कवि थोड़ी है। ये तो अपना कृत कवि राधा रानी की निकुंज महल के लिए मंजरियाँ हैं, जैसे दर्शन किया उन्होंने वैसे लिखा, इसलिए बोले हाँ मैंने जो शंका की थी ना राधा रानी बोले नहीं मेरी मंजरी ने जो लिखा सही उन्होंने प्रमाण दे दिया है। फिर आए और रूप गोस्वामी को बोले रूप इसको बदलाने का कोई जरूरत नहीं, जो लिख दिया आज तुम्हारी कृपा से राधा रानी के दर्शन। इसलिए जो प्रेमी की जो भावुक भक्त है वो क्या जब अध्यापी वो सही लीला बोलो करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखवाने पाए, मतलब अभी भी कृष्ण वो सारे लीला कर रहे हैं। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम प्रयोजते, इसलिए जो वृंदावन धाम अपराधित दिव्य धाम है अभी भी कृष्ण यहाँ पर सारे लीला कर रहे हैं। लेकिन जैसे श्री श्यामानंद प्रभु राधा रानी के चरण की नुपुर जैसे उन्होंने प्राप्त किया है, जैसे श्री रूप गोस्वामी सनातन रूप गोस्वामी के लिए जैसे उन्होंने खीर बनाए, इसलिए अभी भी राधा रानी कृष्ण लीला कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेमी की भक्त है वो सर्वत्र जब परिक्रमा करते हैं सर्वत्र की लीला की उद्दीपक और उनको सारे लीलाओं को दर्शन करते हैं। इसलिए जो वृंदावन अपराध पुरुषोत्तम महीना है विशेष महीना, पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तम का परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए इस सब के सब बड़े भाग्य से सब चीज मिलता है। इसलिए मैं ब्रजवास कह रहे हो इसलिए स्थली हमारी भक्ति प्रमोद सिंह पुरी है उनका शिष्य उन्होंने स्थली उन्होंने यहीं पर उन्होंने सेवा को प्रकाशित किया है और ये हमारे भक्त लोगों का हमारे गौरी वैष्णव का एक विशेष स्थान है। श्री सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। मिताली गौर प्रेमानंदे हरि हरि महाराज जी शानदार गौर ना हेलो प्रसाद भाई, हेलो मैं प्रसाद ले रहा हूं, मैं प्रसाद ले रहा हूं।